मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास दिलाया है, मैं भारतीय जनता पार्टी का भी, संगठन का, मनोहर लाल जी का, सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं संगठन का व्यक्ति हूँ और मेरे पे ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, मैं तो कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने दिन रात काम करना है। चुनाव ये सब आगे की चीज़ है, मेरे लिए तो संगठन सबसे सर्वोपरि है। मतलब जो जिम्मेवारी लगाएंगे आप तैयार हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये मेरी जिम्मेवारी लगाई है, भी मैंने सपने में नहीं सोचा था। तो भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, सबको साथ, सबका साथ सबका विकास, यही भारतीय जनता पार्टी का नारा है। तो कांग्रेस तो विपक्ष को तो जी और कोई काम ही नहीं है, विपक्ष तो नाम मात्र रह गया, विपक्ष नहीं है कहीं। और 370 पे तो ये कह रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक चिट्ठी भी मरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं KNN मीडिया और मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिसने कभी ख्वाबों में नहीं सोचा था कि वो कहाँ हैं और कहाँ पहुंच जाएंगे, और ये किस पार्टी की खूबसूरती है कि जो एक बिल्कुल आम आदमी को कहाँ बैठा देती है, कहाँ पहुँचा देती है। मैं एक बार पहले तो आपका परिचय थोड़ा सा कराता हूँ। जसबीर दोदवा जी हमारे साथ हैं जो कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी आप। अध्यक्ष जी मैंने गलत तो नहीं कहा, एक आम आदमी को क्या कुछ मिल जाता है पार्टी में उसका आप जीता जागता उदाहरण है। क्या हम जान सकते हैं जसबीर दोदवा ने कहाँ से सफर शुरू किया और कहाँ पहुँचे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। मेरा छोटा सा गांव दोदवा, और बिल्कुल मेहनत तो मजदूरी करने वाले घर से मैं निकला हुआ, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और सोनीपत जिले का, जिला अध्यक्ष का ये जो सम्मान पार्टी ने दिया, मेरे सपने में भी नहीं था। मेरे तो गाँव में, परिवार में कोई ना तो कोई राजनीतिक मेरा बैकग्राउंड है, ना मैं बिल्कुल किसी मंत्री के घर से। तो जो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि आखिरी अंत्योदय, आखिरी आदमी के उदय के लिए जो भारतीय जनता पार्टी काम करती है, वो मेरे में बिल्कुल फिट बैठती है। आप मतलब बीजेपी को कब आपने ज्वाइन किया? देखिए, बीजेपी में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2014 के, लेकिन मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष भी रहा जी, फिर युवा में महामंत्री रहा, उसके बाद मैं इसी मोर्चे का जिला अध्यक्ष रहा। तो पार्टी में लगातार मैंने संघर्ष किया है, संघर्ष के साथ साथ मैंने ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को सोनीपत जैसे इतने बड़े ज़िले में 6 विधानसभाएँ, और सबसे बड़ी बात लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं। तो मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास दिलाया है, मैं भारतीय जनता पार्टी का भी, संगठन का, मनोहर लाल जी का, सबका धन्यवाद करता हूँ। ऐसे बड़ी बात है एक चुनावी वर्ष में एकदम से इस तरह का अध्यक्ष बनाना। और देखिए, सोनीपत को तो ये कहा जाता है कि ये जो सोनीपत रोहतक है भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ लड़ने के लिए शायद उसी ताकत का जो है वो इस्तेमाल होता है, और बीजेपी ने आप में ताकत देखी। देखिए, गढ़ होता जनता का, जनता ही गढ़ बनाती है, और मैं किसी का नाम नहीं लेता। पीछे लोकसभा चुनाव देख लीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी कितने भारी बहुमत से जीतती है। तो नरेंद्र मोदी जी हमारे पास से, नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा है वो लोगों के मन में बस चुका है, और हरियाणा में जो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, तो उन्होंने 24 घंटे आम व्यक्ति के लिए जो काम किया है, तो गढ़ तो जनता बनाती है जी। आपका परिवार आज भी वही काम करता है जो पहले काम? बिल्कुल, मेरे बिल्कुल मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्ति है। मेरे फादर ने, हमने तो दिहाड़ी मजदूरी का काम किया है, और दिहाड़ी मजदूरी से निकल के ही, अपनी मेहनत से ही आज यहाँ पहुँचे हैं जी। सच में ये ऐसा तो नहीं है? नहीं बिल्कुल, आप मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड भी देख लीजिए, राजनीति में मेरे परिवार में कोई भी नहीं, मेंबर भी नहीं बने मेरे परिवार में, नहीं बने कोई। सच में कोई नहीं है राजनीति में? नहीं बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं है। दोदवा गांव है, ज्यादा दूर भी नहीं, गोवाना विधानसभा में दोदवा गांव है मेरा, आप पता कर लीजिए, मेरा गांव, मेरा घर, सारी चीज आप देख लीजिए कहाँ से उठ कर। हम तो संघर्षों से निकले हुए व्यक्ति हैं। क्या बात, मतलब ये तो बड़ी बात थी, जब आपका लिस्ट में नाम आया तो बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे थे कि ये जसबीर का नाम कैसे आ गया, क्योंकि देखिए बहुत बड़े बड़े लीडर हैं आपकी पार्टी में भी, और मेरे ख्याल से काफी धनाढ्य लोग भी हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी पावर, बहुत सारी शक्ति है, और संगठन में भी कई लोग तो ये भी मानते हैं कि बहुत ऊंची पहुंच तक जो है चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जसबीर का नाम आता है। देखिए, यही तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, अंत्योदय, मैंने आपको पहले भी बताया है, आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है, तो वही मेरे साथ हुआ है जी। अच्छा, तो जसबीर को अब ये पावर मिल गई जिला अध्यक्ष की, क्योंकि बीजेपी में संगठन की पावर बहुत बड़ी होती है, और एक जिला अध्यक्ष के पास
6 विधानसभा भी हैं, उनको भी संभालना है, तो किस ताकत से आप लगे हुए हो? देखो पावर नहीं है, यह मैं कार्यकर्ता हूँ, मेरी भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेवारी कह सकते हैं, जिम्मेवारी लगाई है और मैं जिम्मेवारी को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा और विश्वास भी दिलाता हूँ भारतीय जनता पार्टी सोनीपत की पूरी टीम को और हरियाणा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी को, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, कि मैं पूरी निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूँगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में 2019 के मुकाबले 2024 में भारतीय जनता पार्टी सोनीपत की लोकसभा सीट से भारी मार्जिन से जीतने जा रही है और उस जीत से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी सोनीपत की छह विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल कर देंगे। इसी के लिए हम सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अच्छा, आप जब इतनी बड़ी जिम्मेवारी पड़ी है तो रूटीन एकदम से चेंज हो गया होगा, हर जगह जाना, लोगों को जोड़ना, संगठन खड़ा करना, परखना भी है लोगों को कि कहाँ है क्या है, तो मैनेज कर पाते हैं? देखिए अभी हमने अपनी नई टीम बनाई है और आज भी मैं जोड़ी गांव में, सरगथल में, जुआ में एक हमारा अभियान चला हुआ है, गांव चलो अभियान, उसके तहत हमने एक बूथ का संयोजक बनाया है, बूथ संयोजक के साथ एक प्रवासी कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ग्रास रूट पर रही है तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आज गाँव में है, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे मंत्री जी हों, विधायक जी हों, सब आज गांव में 24 घंटे का प्रवास रखा गया है। मैं भी आज रोलद गांव में रात को रुकूंगा तो भारतीय जनता पार्टी की ही ये सोच है कि गांव में हर एक समाज के व्यक्ति को टच किया जाए। अच्छा, ये प्रवास के दौरान आप क्या करते हैं? देखिए प्रवास जैसे गाँव में भजन मंडली है, अखाड़े हैं, आंगनबाड़ी है, सरकारी स्कूल है, उन लोगों से मिलना और वे समाज में जो भी प्रतिष्ठित आदमी हैं, सेलिब्रिटी हैं, उनके घर पर जाना, सबसे मिलना, जो भी समस्याएं हैं, वैसे भारतीय जनता पार्टी ने लगभग सभी वर्गों का ध्यान रखा है तो उसी के तहत बात करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, आपसी भाईचारा भी बनता है और इसमें ये भी नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास ही जाएंगे, तो कोशी पार्टी का कार्यकर्ता हो सब पार्टी का कोई हिस्सा जाओगे आप जरूर। अच्छा, कांग्रेस एक अभियान चला रही है, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, आपके प्रयास और इस नारे को किस तरह से देखते हैं, वर्किंग को? देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो प्लेटफॉर्म है, भारतीय जनता पार्टी का 24 घंटे वर्कर बीच में रहता है, अब चुनाव के समय की बात नहीं है, अब चुनाव आ गया तो आम लोग जनता के बीच में है, 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी का हर वर्कर गाँव में की जो भी समस्याएं हैं उनके पास जाता है और कांग्रेस का तो मैं क्या जिक्र करूं, कांग्रेस में तो आज किस चीज़ की लड़ाई है कुर्सी के लिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती आप तीन स्टेट में मुख्यमंत्री देख लीजिए, मीडिया में भी किस किस के आकलन हो रहे थे, जो व्यक्ति वहाँ गए थे उनको भी नहीं पता था किसकी घोषणा करनी, मनोहर लाल जी बता रहे थे, 2-3 दिन पहले मीटिंग थी उसमें मनोहर लाल जी को भी नहीं पता था, नड्डा जी ने जब उनको भेजा वहीं उनको पता लगा भाई भजनलाल शर्मा जी को। क्या बात है, मतलब आप बीजेपी की इस खूबसूरती के कायल हैं कि भाई कहीं भी कुछ भी जो काम आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई आपको देख रहा है कि आप जसबीर की वर्किंग देख रहे हो कैसी है। देखिए जीवन बदल दिया मेरा भारतीय जनता पार्टी ने, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन का ताउमर, मेरा परिवार, मेरा गाँव, आज मैं अपने गांव में भी गया था, दो छोटा हाँ गांव कभी सोचा भी ना था, सब लोग ये सब ने इतना मान सम्मान और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है जी। तो आगे क्या रहेगा, आपका लक्ष्य क्या है? देखिए लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना, हमने तो पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी पर लगाना है, मैं तो अब भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए जीवन समर्पित है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल हो रहा है कि आपका गाँव गोहाना विधानसभा में है, अगर कोई कल को ऐसी बात आती है कि आपको भी मौका मिलता है चुनाव लड़ने का तो तैयार है? मैं संगठन का व्यक्ति हूं और मेरे पे ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, मैं तो एक कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने दिन रात काम करना है, चुनाव ये सब आगे की चीज है, मेरे लिए तो संगठन सबसे सर्वोपरि है। मतलब जो जिम्मेवारी लगाएंगे आप तैयार हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ये मेरी जिम्मेवारी लगाई है, भी मैंने सपने में नहीं सोचा था, मेरा काम है भारतीय जनता पार्टी को घर घर तक पहुंचाना। वैसे चौंका दिया था आपने लोगों को जब पता चला ना भाई अमित शाह जी के वहां से सीधी लिस्ट आई है, लोग हैरान परेशान तो जरूर थे, भाई जसबीर तो रूट लेवल पे था, मतलब जहाँ नेताओं की भीड़ होती थी उस भीड़ में भी सबसे पीछे खड़ा होता था। तो यही तो बात है ना जी,
पार्टी देख लेती है, काम काम किया पार्टी के लिए। और मेरी मेरी बात नहीं है, और भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, आज मैं इस पद पर हूँ, कल कोई दूसरा है, मेरे से पहले तीर्थ राणा जी थे, धर्मवीर नांदल जी थे, अब मैं आ गया तो ये नहीं है कि ये मेरी कुर्सी है, ये तो उसके संगठन को बढ़ाना है, संगठन को बढ़ाना है और संगठन के लिए काम करना है, सब कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करना है। कांग्रेस बड़े आरोप लगाती है आप लोगों पे, भाई ये बीजेपी वाले जो है ना वो जाति के नाम पे तोड़ते हैं लोगों को। देखिए ऐसी बात नहीं, फिर वही बात आती है, मेरे से पहले तीर्थ राणा जी कौन से समाज से थे, धर्मवीर नांदल जी थे, उससे पहले ओम प्रकाश अत्रेय जी थे। तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीस बिरादरी की पार्टी है, सबको साथ, सबका साथ सबका विकास, यही भारतीय जनता पार्टी का नारा है। तो कांग्रेस तो विपक्ष को तो जी और कोई काम ही नहीं ना, विपक्ष तो नाम मात्र रह गया, विपक्ष नहीं है कहीं भी। देखिए पिछले दिनों मैं आपको एक छोटी बात बताता हूँ, जब ये राम मंदिर का कार्यक्रम था, तो राम मंदिर के कार्यक्रम से पहले शाम को मैं 11:30 बजे शहर में घूम रहे थे, जगह जगह जा रहे थे, तो 17-18 साल के बच्चे जो फेसबुक पे ट्विटर पे इन पर लगे रहते हैं, वो भी राम जी के झंडे और पंपलेट बांट रहे थे। इतना राम में माहौल, इतनी भक्ति लोगों के राम में बना दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, अगर सबको साथ लेकर चले लिए हैं, नरेंद्र मोदी जी की सोच, नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ आप देख लिए जी, कैसे 370 कभी सपने में भी नहीं सोचा था 370 धारा टूट जाएगी, तीन तलाक का मुद्दा ले लीजिए, और 370 पे तो ये कह रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक चिट्टी बीमारी हो तो। तो भारतीय जनता पार्टी ने सबके लिए काम किया है, और नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है 2047 में भारत जब 100 साल हो जाएंगे आज़ादी के, तो पहले नंबर के पायदान विश्वगुरु भारतीय जनता पार्टी की सोच है भारत को बनाना, सबसे पहले भारत माता की जय, यहाँ सबसे पहले भारत माता की जय बोली जाती है, व्यक्ति तो बैक में है, पहले भारत माता। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। ये तो थे हमारे साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा जी, जिन्होंने साबित किया है कि एक अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति भी वो नेता बन सकता है, वो एक संगठन के शीर्ष पद पर भी पहुंच सकता है। और देखिए ये बड़ी अलग सी बात है कि बीजेपी ने किस तरह से इन्हें कहां से उठाया और कहां पहुंचाया है, और ये तो कह रहे हैं कि आगे भी जो है वो विजन क्लियर है, और भारतीय जनता पार्टी ने जैसे इनका जीवन बदला है वैसे ही आगे जो है वो पूरे भारत को बदलने का प्रयास करेगी, और जो विश्व गुरु बनने का सपना भारत का है वो नरेंद्र मोदी वो ज़रूर पूरा करेंगे।